हमने दो तीन सवाल पूछे। एक सवाल ये पूछा कि ह्यूमैनिटेरियन काम आपने किया, तो पूरी दुनिया ह्यूमैनिटेरियन काम करती है, कोई अस्पताल चलाता है, कोई कोचर चलाता है, मगर पूरी दुनिया दुनिया को बताती है कि हम ह्यूमैनिटेरियन कर रहे हैं, देखो हमने अस्पताल खोला, देखो हम ये कर रहे हैं। सुषमा जी, दुनिया में एक व्यक्ति है जो ह्यूमैनिटेरियन काम को छुपा रही है, क्यों? अगर आपने ह्यूमैनिटेरियन काम किया तो पूरी मिनिस्ट्री को क्यों नहीं बताया, जनता को क्यों नहीं बताया कि भैया मैं ललित मोदी का ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही हूं? क्रेडिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दिया जा सकता कि भैया देखो ह्यूमैनिटेरियन काम किया, छुपा के किया, पता नहीं मतलब कोई कारण होगा मगर कर दिया। मगर उसके साथ आपके पति और आपकी बेटी ललित मोदी के लीगल काउंसिल है, उनकी वहां पे मदद कर रहे हैं, क्रिमिनल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ माताजी, उस तरफ परिवार, इस तरफ पैसा, इस तरफ परमिशन, माताजी परिवार पैसा परमिशन, ये लिंक मैं यहां रखना चाह रहा हूं। अब सुषमा जी को मुझसे गुस्सा आ रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं करता हूं, मैं सुषमा जी से गुस्सा नहीं हूं, मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये जो मोदी गेट जो है, आईपीएल जो है, ये छोटी चीज नहीं है। इसको वसुंधरा राजे जी ने रोकने की कोशिश की है ललित मोदी को, इसको सुषमा जी ने रोकने की कोशिश की है, और प्रधानमंत्री जी को लोगों ने इलेक्ट किया है। क्यों इलेक्ट किया है? 15 लाख रुपए देने के लिए और ब्लैक मनी से लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं यह चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस काम को करें और जो उनको उनकी पार्टी में जो करप्ट दिख रहे हैं उनको उठा के बाहर फेंके और कहे कि भैया मैं यहां पे करप्शन के खिलाफ आया था और अब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। वो घबराए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अगर ये काम करेंगे, अगर वो सुषमा जी को बचाने की कोशिश करेंगे, अगर वो राजीव जी को बचाने की कोशिश करेंगे, जो क्रेडिबिलिटी उनमें है, जो हिंदुस्तान के युवा ने जो उनमें भरोसा किया था, वो टूट जाएगा। तो मैं ऑपोजिशन हूं, मैं अपनी पोजिशन बता रहा हूं, मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि मोदी जी के लिए अच्छा है कि वो इस पे एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेना है तो देश को बता दें, भैया इसलिए एक्शन नहीं ले रहा, क्लियरली बता दें कि देखो उन्होंने कहा कि भाई हमारे चीफ मिनिस्टर अच्छा काम करते हैं, इस पे बात करें ना, इस पे बताएं कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे। अगर लॉजिकल रीजन मिल जाए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीएम डज नॉट, इट विल बी वेरी एम्बेरसिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कम हियर, ही द रियलिटी इज ही डजंट हैव एन आंसर, सो आई अंडरस्टैंड दैट ही कांट कम एंड आई अंडरस्टैंड दैट ही वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल कमिंग। मेरा निवेदन है आपसे, आप इनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार